Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today we are going to discuss an important chapter, amalgamation, and we are going to have a detailed discussion about how to prepare ledger of the old books in case of amalgamation. तो old books में ledger कैसे बनाए, कितने ledgers बनेंगे, कितने journal entries को आपको याद रखना है, सारे की सारे points इस video के basis पे हम discuss करेंगे, जिस basis पे आपको old books में जो problem students को face होता है वो सारे हम इस video के basis पे discuss करने वाले हैं। तो video काफी interesting होने वाला है, video को last तक देखें, और अगर video अच्छा लगता है तो like और share जरूर करें, because आपकी ये एक शेयर करने से बाकी आपके फ्रेंड्स को भी इससे रिलेटेड बेनिफिट मिल पाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। अमालगमेशन की अगर बात करें तो अमालगमेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं इन केस ऑफ लेजर्स टू बी प्रिपेयर्ड। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट विच कैन बी एक्सपेक्टेड। एक तो है परचेज कंसिडरेशन प्लस जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और प्लस बैलेंस शीट। या आपको पेपर में इतना पूछा जा सकता है कि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करे, देन कैलकुलेट दी, देन पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एंड देन प्रिपेयर बैलेंस शीट। बट सम ईयर्स पेपर में ओल्ड बुक्स भी पूछा गया है, मतलब आपको ऐसा पूछा जाएगा क्लोज द ओल्ड बुक्स या प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। तो ओल्ड बुक्स में आपको या ओल्ड कंपनी के बुक्स में आपको कितने लेजर बनाने हैं, तो लेजर्स बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रिपेयर करना है, फर्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, थर्ड है न्यू कंपनी अकाउंट, देन वी हैव टू प्रिपेयर इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी। दिस डिपेंड्स ऑन दी परचेस कंसिडरेशन वर्किंग नोट। इफ योर परचेस कंसिडरेशन वर्किंग नोट हैज इक्विटी शेयर्स, वी विल प्रिपेयर फोर्थ नंबर का लेजर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी। इफ द योर परचेस कंसिडरेशन सेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग कैश, तो वी विल प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट। We can also prepare preference share holders account if we have preference share in the question. Otherwise, we will not prepare. And preference share holders, अगर आपके purchase consideration में है, तो आप preference shares in new company account भी बना पाओगे। कुछ basic steps है जो आपको follow करने हैं। इतने steps भी अगर आप याद रखोगे तो आप easy तरीके से posting कर सकते हो, और आपको सारे के सारे points इससे related right मिलेंगे, और काफी easy level पे आपको इससे related marks score करने में help मिलेगा। Number one, ट्रांसफर ऑफ असेट्स। तो अगर हम ट्रांसफर ऑफ असेट्स की बात करें, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको सारे के सारे असेट्स ट्रांसफर करने, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, ऑल दी असेट्स आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। आपको सारे असेट्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना है, रीवैल्यूड फिगर्स यहां नहीं लेना है। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पे रीवैल्यूड फिगर ले लेते हैं, और जिसकी वजह से आपका ये पोस्टिंग गलत हो जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री असेट्स ऑल दी असेट्स, and that assets are to be transferred at book value। सारे assets transfer करते वक्त एक ही point याद रखना है कि आपको fictitious assets जो होते हैं preliminary expense, share issue expenses, उनको transfer नहीं करना है। So all other assets are transferred except the fictitious। Number second is transfer of liabilities। सिमिलर इज द केस विद लाइबिलिटीज। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको ट्रांसफर करना है सारे के सारे लाइबिलिटीज। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आपके लाइबिलिटीज आ जाएंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एनी काउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देन स्टेप नंबर थ्री, आपको ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट साइड। आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड जाना है, वहां लिखना है बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। आप सोचेंगे इसमें अमाउंट कौन सा लिखना है, इसमें अमाउंट लिखना है ओल्ड कंपनी का क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया होगा, वहां से इक्विटी शेयर कैपिटल की जो भी अमाउंट होगी वो आपको ट्रांसफर करनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसी के नीचे आपको लिखना है बाय रिजर्व्स। अभी रिजर्व्स में भी कंफ्यूजन है कौन से रिजर्व्स लिखने हैं, तो सारे रिजर्व्स लिखने हैं इंक्लूडिंग दी एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, दैट इज कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो जनरल रिजर्व लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, और सारे के सारे स्टैट्यूटरी रिजर्व भी आपको लिखने हैं। लेकिन एक चीज यहां पे मैंने नहीं लिखी है, वो भी आपको याद रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी फिक्टिशियस असेट होगा, that means if you have any preliminary expenses, share issue expenses on the asset side of the balance sheet, usko aapko equity shareholders account ke debit side mein transferred karna hai।
So that is also important, because this one point will create problem in your equity shareholders account and the whole ledger will be wrong. So that is why if any kind of fictitious assets you have, the whole is to be transferred to equity shareholders account debit side. Then the next entry will be purchase consideration due. Simple entry hai, purchase consideration due ka entry aapko bahar add karna hai, lekin is entry mein purchase consideration ki amount har question mein change hogi. And the entry is realization account debit to new company account. So इस एंट्री को, सॉरी माय मिस्टेक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो पीसी ड्यू का जो एंट्री है उसमें आपको लिखना है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो आपको न्यू कंपनी वाला जो लेजर आपने बनाया होगा उसमें आपको जाना है, उसके डेबिट साइड लिखना है टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट में जाना है उसके क्रेडिट साइड में लिखना है बाय न्यू कंपनी. देन द नेक्स्ट विल बी परचेस कंसिडरेशन सेटल्ड. तो परचेस कंसिडरेशन सेटल्ड के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होता है. इसका मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ जो आप याद रख सकते हैं. परचेस कंसिडरेशन सेटल्ड में आपको याद रखना है कि वॉट एवर वी आर गिविंग देम दैट इज डेबिटेड. तो हम जो भी चीजें देने वाले हैं, जैसे अगर हम इक्विटी शेयर्स देंगे तो इक्विटी शेयर्स डेबिट, हम प्रेफरेंशियस देंगे तो प्रेफरेंशियस डेबिट, हम कैश देंगे तो कैश डेबिट, और न्यू कंपनी को आपको क्रेडिट करना है. तो वॉट एवर वी आर गिविंग वो डेबिट करना है, न्यू कंपनी को आपको क्रेडिट करना है. देन द नेक्स्ट पॉइंट विल बी एक्सपेंसेस पेड. अगर कभी आपके क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आया एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय द कंपनी, या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द कंपनी, या एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस पेड बाय द कंपनी, लेकिन याद रखना है ये जो एक्सपेंसेस है ये ओल्ड कंपनी ने भरना चाहिए. अगर ओल्ड कंपनी ने एक्सपेंसेस भरा होगा तो उसका भी एक जर्नल एंट्री आपको पास करना है, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश बैंक. तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आपको लिखना है टू कैश बैंक, और कैश बैंक के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय रियलाइजेशन. तो वो भी आपको याद रखना है. देन कुछ स्टेप्स है क्लोज कैसे करना है, स्टेप्स टू क्लोज लेजर अकाउंट. तो फर्स्ट नंबर क्लोज न्यू कंपनी अकाउंट फर्स्ट. तो न्यू कंपनी का जो अकाउंट है वो आपको क्लोज करना है, और याद रखना है अगर आपने अभी तक की पोस्टिंग सारी राइट की है तो न्यू कंपनी का जो लेजर है वो टैली हो जाएगा. न्यू कंपनी का लेजर आपको टैली हुआ तो दैट इंडिकेट्स कि आपका सारा का सारा पॉइंट पोस्टिंग का राइट है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोज कैश अकाउंट, इक्विटी शेयर्स अकाउंट एंड सेंड द बैलेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो कैश अकाउंट का जो लेजर होगा वो अगर आपने प्रिपेयर किया है तो उसमें से आपको बैलेंस मिलेगा, वो बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में. फिर अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स का भी अकाउंट है तो वो अगर आपने क्लोज किया तो उसका भी बैलेंस आपको सेंड करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में. फिर आपको क्लोज करना है रियलाइजेशन. रियलाइजेशन वी कैन गेट बैलेंस ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. अगर आपको डेबिट साइड में बैलेंस आया या फिर क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, कहीं पे भी बैलेंस आए उसको आपको ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में. और इतना सब कुछ करने के बाद इफ यू हैव पोस्टेड प्रॉपरली, इफ यू हैव मेड द जर्नल एंट्रीज इफेक्ट्स प्रॉपरली, एंड इफ यू हैव क्लोज द लेजर्स प्रॉपरली, आपका लास्ट जो लेजर है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट वो टैली हो जाएगा. अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली होता है तो उसका मतलब यह है कि अभी तक जो भी लेजर पोस्टिंग हमने किया है वो सारे सही है. सो दीज आर द स्टेप्स टू क्लोज द लेजर. तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इतने स्टेप्स को आप प्रॉपरली फॉलो करें, और कोई भी लेजर को आप एक बार देखें यही स्टेप्स में लेजर चलते हैं. और अगर ये स्टेप्स को आप याद रखो तो अमालगमेशन से रिलेटेड ओल्ड कंपनी में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा और सारे आपके पॉइंट्स परफेक्ट आ जाएंगे. तो वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर.